योगा फॉर हेल्दी हार्ट। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हृदय रोगियों को कौन कौन से आसन, प्राणायाम या मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए जिससे उनका हृदय पूरी जिंदगी स्वस्थ बना रहे। अगर स्वस्थ है तो स्वस्थ ही रहेगा, और अगर वो कमज़ोर हो गया है आपका हार्ट, तो इसको करने मात्र से धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। तो आप, क्योंकि आज हृदय रोगों की समस्या सबसे अधिक है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल और आहार इसका प्रमुख कारण है। लाइफस्टाइल की वजह से हमें तनाव आता है, और तनाव का सीधा प्रभाव हमारे हृदय और मस्तिष्क पे पड़ता है। तो आज मैं आपको पूरी तरह से हृदय को मजबूत करने वाले अभ्यास बताने वाली हूँ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको जरूर इसका फॉलो करेंगे तो लाभ मिलेगा। चलिए, हम देर नहीं करेंगे, शुरू कर देते हैं। सबसे पहले खड़े होकर किया जाने वाला एक अभ्यास ताड़ासन। रेज योर बॉडी एंड ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तीन बार करेंगे श्वास भरते हुए, लेकिन मैं दो बार कर रही हूं। ब्रीद आउट। इस अभ्यास के बाद हम जो करने वाले हैं त्रिकोणासन। ब्रीद आउट, लंबी गहरी श्वास भरे, छोड़े, आधा से एक मिनट रुके, फिर सांस भरते हुए हाथ को सीधा करें और दूसरी साइड बैंड हो जाए। ब्रीद आउट, लुक अपवर्ड, लगातार श्वास भरे, श्वास छोड़े, फिर से आधा से एक मिनट रुकने के बाद श्वास भरते हुए सीधे और रिलैक्स। बस इतना सा ही अभ्यास करना था खड़े होके। उसके बाद आप वज्रासन में बैठ जाएं, और सबसे पहले हम अपने आप को तनाव मुक्त रखने के लिए जो करने वाले हैं वो है शशांकासन। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। ब्रीद आउट, और यहां पर आप एक मिनट दो मिनट लंबी गहरी श्वास के साथ रुके रहे। आंखें बंद, शरीर को ढीला छोड़ दें और अपने आप को रिलैक्स कर दें। आप अनुभव करेंगे कि आपका सारा तनाव धरती में प्रवेश पा रहा है। और दो मिनट के बाद सांस भरते हुए उठे और धीरे से ब्रीद आउट करते हुए हाथों को नीचे ले आए। एक सरल अभ्यास ये भी था। अब मैं बोलूंगी गोमुखासन, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत सारे रोगों के लिए है, पर हार्ट पेशेंट के लिए बहुत बढ़िया है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए, ये एड़ी तो मेरी हिप के नीचे चली गई है और ये हिप को टच कर रही है, और अब जो घुटना ऊपर है वो हाथ भी ऊपर, दूसरा हाथ साइड से, पीछे फिंगर्स को इंटरलॉक करें और अब आंखें बंद करके लंबी गहरी श्वास भरें, छोड़ें, श्वास प्रश्वास के साथ ही पोस्चर मेंटेन करेंगे। अगर आपको थकान लगे तो वहीं पर आप आसन को छोड़ दें और रिलैक्स हो जाए, और इसमें भी एक मिनट रुकने के बाद या आधा मिनट रुकने के बाद सांस भरते हुए रिलैक्स हो जाए। और दूसरी साइड से मैं आपको पीछे दिखाती हूँ कैसे फिंगर्स को इंटरलॉक किया था, क्योंकि अभी दाहिना घुटना ऊपर है तो दाहिने हाथ ऊपर, ये देखिए। और अभी आप लंबी गहरी श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, लगातार श्वास प्रश्वास के साथ इस पोस्चर को मेंटेन करेंगे। और अब फिर से वही, जितनी देर रुके हैं उतनी देर रुकने के बाद रिलैक्स हो जाएंगे। अभी मैंने आपको दो आसन खड़े होके बताए, दो बैठ के बताए, अब मैं आपको पेट के बल लेट के भुजंगासन और शर्वासन, बहुत सरल अभ्यास है ये भी। पेट के बल आ जाए प्रोन पोज में और हथेलियों को यहाँ टिका दें, सांस भरते हुए अब जितना उठ सकते हैं उतना उठे, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास। अगर आप इतना नहीं उठ पाते हैं तो आप इतना ही उठ लें और
लंबी गहरी श्वास भरे छोड़े, और अगर उठ पाते हैं तो इस पोज में आ जाए, क्योंकि ये पोज आपके हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, बैक मसल्स के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन सिस्टम के लिए। बस लंबी गहरी श्वास के साथ एक मिनट जितना भी आप आराम से रुक पाए रुकिए, ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाए। अगर आपको लगता है कि आप एक मिनट नहीं रुक पा रहे तो आप आधा मिनट करिए, अपनी क्षमता से ज़्यादा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि हृदय रोगियों के लिए रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आप फिर से रिलैक्स हो जाए, शरीर को ढीला छोड़ दें, और दो चार लंबी गहरी श्वास लेने के बाद अगले पोज के लिए शर्वासन। मुट्ठी बनाई, जंघाओं के जोड़ कर लगाई, सांस भरते हुए राइट लेग को ऊपर उठाया, श्वास भरे श्वास छोड़े आधा मिनट या जितना भी आप रुक पा रहे, उसके बाद रुके और श्वास छोड़ते हुए पांव को नीचे ले आया। अब दूसरे पांव को भी ऐसे ही श्वास भरते हुए, अब लंबी गहरी श्वास भरे छोड़े, श्वास प्रश्वास के साथ ही पोज बनाएंगे, श्वास रोकना नहीं है आपको, और ब्रीद आउट करते हुए पैरों को नीचे ले आए। इस पोज में करने के बाद सीधे हो जाए और कुछ सेकंड फिर से रिलैक्स करें, अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, लंबी गहरी श्वास भरे छोड़े। इस तरह करने से आपके शरीर में पुनः आपको एकदम शक्ति का संचार का अनुभव होगा, बहुत अच्छा लगेगा। और इसके बाद जो आसन करने वाले हैं वो है, पहला है पवन मुक्त आसन। इस पोज में लंबी गहरी श्वास भरे छोड़े, ये आपके डाइजेशन को भी फिट रखेगा, कमर दर्द से भी बचाएगा, और हार्ट पेशेंट के लिए चूंकि डाइजेशन भी तो बहुत जरूरी चीज है। दूसरे पांव से, और इसके बाद आप दोनों पांव से भी कर सकते हैं। लंबी गहरी श्वास लेंगे छोड़ेंगे, श्वास प्रश्वास को रुकने नहीं देंगे, और इसके बाद पुनः पैरों को नीचे लाके सरका के सीधा कर देंगे, और फिर से रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्सेशन मैंने बोला बहुत जरूरी है। और अब इसके बाद एक बहुत अच्छा आसन है जो हार्ट रोग, मतलब आपको तनाव मुक्त तो रखेगा ही, बैक मसल्स को बहुत मजबूती देगा और हार्ट के लिए भी अच्छा है, वो है मर्कट आसन। देखिए, हाथ को यहाँ फैला दिया, अब घुटना मेरा दाहिनी साइड दोनों आ गए हैं गर्दन बाई साइड, ये आपके हृदय को खिंचाव भी देता है और दबाव भी देता है। लंबी गहरी श्वास भरेंगे छोड़ेंगे, और श्वास भरते हुए सीधे और अपोजिट साइड, श्वास भरे श्वास छोड़े, फिर से श्वास भरे श्वास छोड़ दे। कम से कम 4 से 5 बार दोनों तरफ से करने के बाद इसी तरीके से श्वास छोड़ते हुए घुटने को बेंड करेंगे, गर्दन को अपोजिट साइड, और श्वास भरते हुए सीधे हो जाएंगे, और धीरे से पैरों को लंबा करके फैलाएंगे। ये तो मैंने थोड़े से आसन बताए, मैं ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, क्योंकि हृदय रोगियों के लिए रिलैक्सेशन ज़्यादा जरूरी है। आपने शरीर को हर तरफ से खिंचाव दे दिया है, अब उस सेकेंड के लिए पहले अपने आप को ढीला छोड़ दें और रिलैक्स हो जाए, और रिलैक्स होने 5 मिनट ऐसे लेटने के बाद धीरे से करवट बदले और अपनी जगह पर उठ के बैठ जाए। उठ के बैठने के बाद मैं एक अभ्यास जो बहुत सरल है, बहुत इफेक्टिव है, और खाली हृदय रोगियों के लिए नहीं है, सबके लिए, शोल्डर रोटेशन। ब्रीद आउट ब्रीद इन, सांस छोड़े सांस भरे, और ऐसा ये 5 से 7 बार मैं कम कर रही हूँ आपको, 5 से 7 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट, कोनी मिलेगी ब्रीद आउट, सांस भरे और सांस छोड़ दे, ऐसा 5 से 7 बार दोनों तरफ से करने के बाद
अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और अब प्राणायाम की बारी है। प्राणायाम से पहले मैं आपसे बोलूंगी एक मुद्रा का अभ्यास हृदय रोगियों को प्रतिदिन करना चाहिए, नाम है हृदय मुद्रा। ये आपके हार्ट स्ट्रोक को तो रोकने की क्षमता रखती ही है, हृदय को मजबूत रखेगी। इसके लिए क्या करना है, आप सीधे बिल्कुल ऐसे बैठ जाएंगे, पीठ सीधी कर लें। आप पद्मासन में बैठना जरूरी नहीं है, आप वज्रासन में बैठें, क्रॉस लेग बैठें, कैसे भी बैठें, लेकिन आपको जो मुद्रा बनानी है, देखिए आपको फर्स्ट फिंगर को अंगूठे की जड़ में लगा देना है और दो मिडिल फिंगर्स को अंगूठे के टॉप से टच करना है, बस केवल। और इस तरह घुटने के ऊपर हथेलियों का रुख आसमान की ओर करके बैठ जाए, आँखें बंद कर लें, मन के अंदर ओम का जाप करें। इस मुद्रा में अगर आप 10 मिनट तक बैठ लेते हैं तो निश्चित रूप से अपने हृदय को मजबूत करते रहेंगे आप, और हृदय के जो हार्ट स्ट्रोक का जो खतरा है वो टल जाता है इससे। बस इस मुद्रा में ऐसे बैठेंगे और उसके बाद अब मैं आपको प्राणायाम बताती हूँ। प्राणायाम में आपको ज़्यादा नहीं करना है, मात्र कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी, बस इतना ही करें, ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और कपालभाति का भी बहुत तेज़ी से अभ्यास नहीं करेंगे, कपालभाति को करते हुए भी इस मुद्रा को बना के रखें, आराम से हो जाएगा। कपालभाति का अभ्यास 2 से 5 मिनट इतना करना है केवल, एक साथ नहीं कर पाते हैं तो आप रुक रुक के कर लीजिए, रेस्ट कर कर के कर लीजिए। 2 से 5 मिनट करने के बाद शुरुआत 1 मिनट तक तो जरूर करें, उसके बाद धीरे धीरे 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, बस इतना भी पर्याप्त होगा। हाँ, अनुलोम विलोम का अभ्यास आपको लंबा करना है, इसके लिए एक हाथ की तो यही मुद्रा बनी होगी, दूसरे हाथ से नासिका मुद्रा, राइट नोज को बंद कर लेंगे, लेफ्ट से ब्रीद इन, इसको लेफ्ट से शुरू करते हैं, लेफ्ट में बंद कर देते हैं। बहुत सरल अभ्यास है ये भी, और इसको आप अधिक समय भी कर सकते हैं। ये आपको तनाव मुक्त तो रखेगी, दोनों नाड़ियों में बैलेंस लाएगी, ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाएगी, जो कि आपके पूरे शरीर को मिलेगा, हृदय को भी मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा है अभ्यास आपके लिए। इसके बाद मैं बोलूँगी भ्रामरी, जो आपको तनाव मुक्त रखेगी। हृदय रोग का बहुत बड़ा कारण तनाव है, गलत आहार के से पहले तो तनाव ही है। आपको क्या करना है, जीभ को तालू पे लगा लेना है और मुंह बंद कर लेना है, नाक से श्वास लेंगे, नाक से छोड़ेंगे, लेकिन कान और आँख भी बंद कर लेंगे। और इस तरह बंद करने के बाद बंद मुंह से ही माँ को बोलना है, तो उसकी जो गुंजन एक स्वर निकलेगा अंदर, वो यहाँ पर आपके ब्रेन की मसाज करेगा, जो आपको तनाव मुक्त रखेगा। मैं करके 3 बार बताती हूँ।
बस इतना सा अभ्यास अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो अपने हृदय को मजबूत महसूस करेंगे, हार्ट अटैक के खतरे को रोकेंगे और धीरे धीरे अगर यंग एज है तो वो ठीक भी हो जाएगा। अगर बस ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर ही सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है, जो लोग यंग हैं अभी बिल्कुल यंग है वो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, तो जरूर करें। और खाने पर सबसे पहले अपने ध्यान दें, 2 कली लहसुन सुबह बासी मुंह जरूर चबा के खाएं। उसके बाद फल सब्जी सलाद का 50 से 60% तो आपका यही होना चाहिए। फिर सूप होने चाहिए जिसमें नमक का प्रयोग बहुत कम हो। बस इतनी थोड़ी सी बातों का ध्यान देंगे, पहला भुना मसालेदार जंक फूड से दूर रहें, फास्ट फूड से दूर रहें, रिफाइंड चीज़ों से दूर रहें, ऑयल से बचें, तो फिर हृदय रोग हो ही नहीं सकता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे और इन अभ्यासों को अपनाकर अपने हृदय को बिल्कुल मजबूत रखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।